आईपीएल का 26वां मैच लखनऊ और दिल्ली के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। लखनऊ की ओर से केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत करी। केएल राहुल ने इस मैच में 22 बॉलों में 39 रन की पारी खेली। केएल राहुल के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज टिक के नहीं खेल सका। लखनऊ की टीम जल्दी ढह गई, लेकिन अंतिम ओवरों में आयुष बडोनी ने आकर पारी को संभाला और आयुष बडोनी ने 35 गेंदों में 55 रन की पारी खेली और इसके साथ ही लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 167 रन बनाए। इस मैच में दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। आगे के मैच के बारे में बात करूँ उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने पृथ्वीशा और डेविड वॉर्नर मैदान पे आई। पृथ्वीशा ने इस मैच में 22 गेंदों में 32 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन डेविड वॉर्नर जल्दी आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद जेक फ्रेजर ने अपने पहले मैच में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखाया। जेक फ्रेजर ने 35 गेंदों में 55 रन की पारी खेली जिसमें 5 छक्के शामिल थे। जेक फ्रेजर के बाद ऋषभ पंत ने भी 24 गेंदों में 21 रन बनाए और इनकी पारी की बदौलत दिल्ली की टीम ने यह लक्ष्य आराम से हासिल कर लिया और दिल्ली की टीम यह मैच 18 ओवर में 6 विकेट से अपना नाम कर लिया। इस मैच में दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की जिसके लिए कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर कर दें।